In this lecture video, uh, we are doing some more practice question on contract costing. So, in the last lecture, we have done till question number six. Now, or if you read question number seven, two contracts commenced on first Jan and on first July two thousand eighteen were undertaken by a contractor, and their accounts on thirty first December two thousand eighteen showed the following positions.

Work certified by the architect, cash received in respect thereof, work done but not certified. That is work not that means work uncertified. The plant was stalled on the date of commenced on the date of commencement of each contract, Depreciation is therein to be taken at 10% per annum. Prepare contract account in the tablet form and ascertain the profit or loss to be taken to profit and loss account. So, यहां पर देखिए दो हम अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करेंगे फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट वन देखिए कॉन्ट्रैक्ट बनने में क्या क्या खर्चे हुए हैं मटीरियल विच इज सेवेंटी टू थाउजेंड वेजेस वन लैख टेन थाउजेंड जनरल चार्जेस फोर थाउजेंड प्लांट इंस्टॉल्ट किया है Amounting rupees twenty thousand, then outstanding wages हैं, amounting rupees four thousand, तो यहाँ लिख देते हैं outstanding wages, amounting rupees four thousand. वैसे चाहे आप इसको साथ में लिख सकते हो तो, wages and wages outstanding को, then और कोई expenditure नहीं हुई, now come to the right side, work in progress. work certified and work uncertified work certified that is uh, 2 lakh work uncertified 6000 target 2 lakh 6000 materials in hand that means uh, unused material 4, Then, और तो कुछ है नहीं बस प्लांट लगाएंगे यहाँ पर साइड और हमें लेना ये, after स्टार्ट हुआ है फर्स्ट जैन को कर 31 2018 को, पूरे साल का लगेगा, तो आफ्टर डेपरेशन वैल्यू कितनी एटीन थाउजेंड टोटल कर देते हैं अब टोटल आपका जगह टू लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड नाउ कैलकुलेट नॉशनल प्रॉफिट कितना है आपका दैट इज अमाउंटिंग रुपीज ये आपका आ जाएगा टू लैख ट्वेंटी प्रॉफिट आपका एटीन थाउजेंड अब देखिए यहाँ पर कुछ पता ही नहीं है कि भी हम कितना अमाउंट में ट्रांसफर करेंगे कुछ परिवार है तो अब देखेंगे एज पर कॉन्ट्रैक्ट देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था चार लाख का और उसका थम कितना हो गया कितना सर्टिफिकेट हो गया टू लाख का दैट मीन फिफ्टी परसेंट काम हो चुका तो अब पी एंड एल में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे एटीन थाउजेंड का फिफ्टी परसेंट हो चुका है तो हम सेकेंड कैटेगरी में आ गए दैट इज टू थर्ड ऑफ कैश रिसीव कितना हुआ देखिए यहाँ पर कैश रिसीव हुआ है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ओवरऑल कॉन्टेंट कितना सर्टिफाइड हुआ है टू लैख दैट इज पी इंडियन में अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा नाइन थाउजेंड हाँ एटीन थाउजेंड इंटू मेट यस नाइन थाउजेंड आएगा ये सो पी एंड एल में आपका आएगा ये नाइन थाउजेंड दैट मीन्स डब्ल्यू आई पी रिजर्व में जाएगा आपका नाइन थाउजेंड आई थिंक अच्छा मैंने ये आंसर ग्रह किया है ये भी नाइन थाउजेंड होगा ये भी नाइन थाउजेंड होगा कोई नहीं मैं आपको ये करेक्ट शीट कर करके इसको आपको सेंड कर दूंगा बाकी आंसर जो है वो नाइन थाउजेंड आएगा ही ठीक है, सो ये था आपका कॉन्ट्रैक्ट वन। नाउ लेट्स टू क्वेश्चन लाइन लेट्स टू सॉरी ये सेम क्वेश्चन करेंगे अभी हम कॉन्ट्रैक्ट नंबर टू पे, सो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर टू देखिए क्या क्या हुआ मटेरियल खर्चा हुआ थाउजेंड वेजेस पेड अब तक पेमेंट कितनी की है वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड की और आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी गिवन अप अमाउंटिंग रुपीज फोर थाउजेंड Then general charges twenty eight hundred plant stolen ki hai amounting rupees sixteen thousand. Now come to the right side that is uh, work in progress. <coughs> work certified by architect that is one hundred sixteen. Work uncertified that is eight thousand material in hand four thousand plant unused plant that is after depreciation. अब इसका टेम्परेचर देखिए हमें ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट कब फिनिश कब स्टार्ट हुआ था फर्स्ट जुलाई को दैट मीन्स हम सिक्स मंथ्स का ही यहाँ पर जो है डेप्रेशन लेंगे दो आ जाएगा आपका फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड ठीक है अब देखिए आई थिंक यहाँ पर ओवरऑल आपको शायद लॉस हो रहा होगा ओवर लॉस आया वो है आपका यहाँ पर लिखेंगे पी एंड एल अकाउंट अब यहाँ पर ये यह लॉस कंसिडर हुआ है यहाँ पर आप डब्ल्यू एफ रिजर्व तो कुछ बनेगा नहीं तो ये टोटल आपका बन जाएगा अमाउंटिंग रुपीज़ दैट स हमेशा प्रॉफिट नहीं हो सकता लॉस भी हो सकता है ठीक है तो लॉस में क्या करेगा आपको करेक्चर में पिंड लिखना पड़ेगा ठीक है जो भी अमाउंट आया और बाकी जो कुछ रिजर्व जाएगा नहीं क्योंकि रिजर्व तो प्रॉफिट का होता है लॉस का तो होता ही नहीं है ठीक है सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर एट सॉरी सेवन रीड क्वेश्चन नंबर एट उत्कल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड टू इन टू थाउजेंड एटीन फॉर रोड कंस्ट्रक्शन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पहले से ही बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस टेन लैक है और उसका एस्टिटेड जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा नाइन ट्वेंटी पता है एट दू था ओवरऑल उनको पता है कि दस लाख का, जो है. 2018, उनको है कि 10 का है और उनको नाइन ट्वेंटी के खर्च होने आए

एंड हैड टू बी डिस्पोज ऑफ फॉर फोर रुपीज़ वन थाउजेंड देखिए यहाँ पर देखिए मटेरियल जो कॉस्टिंग है फाइव थाउजेंड की डैमेज होगी तो उसके हम ट्रीटमेंट कैसे करते थे या तो हम फाइव थाउजेंड को हम क्या करते हैं क्रेडिट साइड में लिख देते हैं तो डेबिट साइड में मटेरियल वहाँ पर मैनेज कर देते थे बट यहाँ पर क्या लिखा है कि जो मटेरियल ख़राब हो गया उसको हमने डिस्पोज कर दिया ऑफ रुपीज़ वन थाउजेंड देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट आता है ना बड़े बड़े तो कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट में ना हम छोटे मोटे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है ना उसका हम बोझ हम कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट में नहीं लेते उसके लिए हम अलग से जो पी अकाउंट बनाते हैं ठीक है और पी अकाउंट बेसिकली हम बनाते भी नहीं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर के छोटे मोटे होते हैं प्रॉफिट होते हैं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं था जैसे देखिए मान लीजिए घर में आप कोई एक रिनोवेशन हो बिल्डिंग बना रहे बन रही है ठीक है अब उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं जैसे लेबर के खर्चे चलती है अपने मटेरियल परचेज करवाए अब मान लीजिए आपने कुछ जो छोटा मोटा सामान जो है मान लीजिए स्क्रैप में बेच दिया अब उसमें आपको मान लीजिए फाइव थाउजेंड का नॉर्मल प्रॉफिट हो गया ठीक है एक मतलब या लॉस हो गया नॉर्मल गेन नॉर्मल गेन हो गया तो उसका ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रेक्टर कुछ हार्ड इफेक्ट नहीं करता ठीक है तो जो नॉर्मल जो वन थाउजेंड है उसको कहीं इफेक्ट लेना ही नहीं आपको लोगों देन प्लांट इज कंसिडर एज हैज हैविंग डेप्रिशिएटेड बाय ट्वेंटी फाइव परसेंट तो देखिए क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर एट देखिए क्या क्या खर्चे हुए मटेरियल फिफ्टी थाउजेंड या तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो यहाँ फिफ्टी थाउजेंड लिख दो और फिर यहाँ पे लेस कर दो डैमेज कितना हुआ ये फाइव थाउजेंड वो लेस कर दो और लेस करके दो अमाउंटिंग रुपीज फोर्टी फाइव थाउजेंड फिर लेबर थ्री लैक प्लांट सोल्व किया है देखिए इसमें डेपरेशन लगा है कितना ट्वेंटी फाइव परसेंट तो एक काम करते हैं यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन ही ले देता हूँ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट पहले कितना था ट्वेंटी ट्वेंटी थाउजेंड तो डेप्रेशन कितना आएगा इसका फाइव थाउजेंड नटी फैटी लिया मैंने अब यहाँ पर आएगा आपका वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड कितना आएगा फोर लैख वर्क अनसर्टिफाइड टेन थाउजेंड आपका गिवन है टोटल हो गया फोर लैख टेन थाउजेंड ठीक है बस और कुछ करना ही नहीं आपको सिंपल क्वेश्चन था आपका ये टोटल करेंगे आपका जो नॉशनल प्रॉफिट आया वो कितना है आपका अमाउंटिंग रुपीज सिक्सटी थाउजेंड अब यहां पर आप देखेंगे कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम जो है पिनटे में ट्रांसफर करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए कितना काम देखिए कॉन्ट्रैक्ट कितना था ओवरऑल टेन लाख का देखिए टेन लाख का था सर्टिफाइड कितना इज तो ये फर्स्ट आ जाएगा जीरो टू फिफ्टी परसेंट में तो कितना करेंगे ऑफ नॉशनल मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव कितना हुआ है नाइनटी परसेंट से तो नाइन्टी परसेंट कर देंगे ठीक है तो ये आपका एटीन थाउजेंड मीन एटीन थाउजेंड ट्रांसफर टू पी अकाउंट

contract price nine lakh wages general expenses material cash received that is 80% of work certified that means this 3 lakhs is 80% so 100% amount kit naoga 4 50000 plant issued that is 30000 plant sorry material side 15000 plant head side 27000 included in the above information wages 5250

मटेरियल का प्राइस अगर प्राइस अगर क्या कहते हैं बियॉन्ड चला जाता है किससे अच्छा एक बार नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ लेते हैं इट वाज फाउंड दैट सिंस द डेट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट द प्राइसेस ऑफ मटेरियल एंड वेज रेट इंक्रीज बाय ट्वेंटी फाइव परसेंट अच्छा ये बोल भी रहे हैं कि बाद में पता चला इनको कि प्राइस ऑफ मटेरियल वेजेज वो पच्चीस परसेंट से बढ़ गए देखिए एक्सलेसन क्लोज क्या होता है पहले तो ये देखिए सामने पड़ेगा जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई कॉन्टेक्ट ले लिया और आपने जो है उसको मतलब जिससे आपने कॉन्ट्रेक्ट लिया है आपने उनको ये एक एस्टिमेटेड खर्चा बता दिया बट जब आप प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया तब आपको पता चला कि जो मटेरियल लेबर है वो एक्चुअली मार्केट में अब जो रेट बढ़ गए होंगे तो उसका ओवर इनपेट आपके कॉन्ट्रेक्ट के प्राइस पर पड़ेगा जो कि अभी तक आपने जो है कॉन्टेक्ट को बताया है नहीं है बट आपने तो ऑलरेडी खर्चा कर चुका है और जब खर्चा खर्च चुके दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्टर आपको उसके पैसे देगा तो जो एक्स्ट्रा पैसे देगा ना दैट मीन्स जितना भी आपका ओवरऑल इनपुट पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट पे बोलते हैं हम एक्सलेशन क्लोज ठीक है तो अगर देखो एक्सेशन क्लोज जो इफेक्ट होगा वो कहाँ पर पड़ेगा टू द क्रेडिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट साइड क्यों सर क्योंकि वो पैसे आपको मिलने बाकी अभी तक मिले नहीं है ठीक है तो देखें इसका सॉल्यूशन सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर टेन let's prepare contact account देखिए क्या क्या एक्सपेंडिचर इनकट है, हुए हैं मटेरियल पे हुए हैं वेल वेजेस, वेजेज फोर्टी फाइव थाउजेंड है एंड आउटस्टैंडिंग है फाइव थाउजेंड तो टोटल हो जाएगा ये फिफ्टी थाउजेंड जनरल एक्सपेंसेस टेन थाउजेंड प्लांट में मैंने कहा था हम depreciation लेंगे, डेप्रेसेगे और प्लांट हमें ग्यू है डायरेक्ट ठीक है तो वो कितना आएगा आपका फाइव थाउजेंड अब हम राइट साइड में आएंगे वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड गिवन आपको टू लैख वर्क अनसर्टिफाइड फिफ्टीन थाउजेंड टोटल हो गया टू लैख फिफ्टीन थाउजेंड देन मटेरियल इन हैंड आपको गिवन है दट इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है अब देखिए यहाँ आप बताने से वैसे तो हमारा क्वेश्चन ओवर ऑलमोस्ट कम्पलीट हो गया बट द थिंग इज़ वी हैव टू टेक द नेट इफेक्ट ऑफ एक्सकलेशन क्लोज जो कि हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे कि जैसे मैंने बताया भी कॉन्ट्रैक्ट से जब आप कॉन्ट्रैक्टर ले चुके हो तब तो आपको बाद में पता चला कि मटेरियल जो आपने खर्चा किया हुआ है वो ऑलरेडी इसका प्राइस इंक्रीज हो गया हो चुका है तो इसका ओवरऑल आपके कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस पे ख़र्चा पड़ेगा ठीक है तो वो पैसा आपको मिलने बाकी हैं इसलिए हम क्या करते हैं उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं ठीक है आप देखते हैं कि ओवरऑल कैसे कैलकुलेशन होगी इसकी कि कितना कितना खर्चा हुआ तो यहाँ करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट में ओवरऑल कैसे खर्चा हुआ इंपैक्ट कैसे आया ठीक है अब देखिए एक बार लैंग्वेज फिर से पढ़ते हैं देखिए क्या बोल रहे हैं कि मटेरियल और वेजेस का प्राइस जो है पच्चीस परसेंट बढ़ गया मटेरियल प्राइस का वेजेस जो है पच्चीस परसेंट बढ़ गया यानी कि ऊपर जो भी अमाउंट गिवन है उनका मटीरियल वो पच्चीस परसेंट बढ़ के लिखा हुआ है देखिए अब ध्यान से देखिए मटेरियल यहाँ पर कितना लिखा होगा है एक लाख इन हैंड कितना है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड दैट मीन्स यूज कितना होगा सेवेंटी और जो सेवेंटी फाइव थाउजेंड जो मटेरियल है वो पच्चीस परसेंट प्राइस इंक्रीज है ठीक है तो यहाँ से देखिए अगर आप मटेरियल की वैल्यू निकालोगे तो ये सेवेंटी फाइव थाउजेंड जो है वो आपका वन ट्वेंटी फाइव परसेंट है सो हंड्रेड परसेंट वैल्यू कितनी होगी सिक्सटी थाउजेंड ठीक है वो हम यहाँ लिखेंगे मटेरियल का ठीक है अब वेजेस का भी ले लेते हैं सही देखिए वेजेस का अमाउंट कितना खर्चा हुआ था पे कितना कहता था फोर्टी थाउजेंड आउटसाइडिंग कितना है फाइव थाउजेंड इट मीनस ओवरऑल कितना है फिफ्टी थाउजेंड एंड ये भी जो है एक सौ पच्चीस परसेंट बढ़ के हुआ है खर्चा हुआ तो इसका हंड्रेड परसेंट अमाउंट कितना होगा फोर्टी थाउजेंड वो हम यहाँ ले गए हैं ठीक है देट मीनस हंड्रेड परसेंट ये वैल्यू होनी चाहिए एक्चुअल में होना इतना था मटेरियल पे खर्चा होना था साठ हज़ार रुपये और खर्चा कितना हुआ सेवेंटी फाइव थाउजेंड ऐसे ही होना था चालीस हजार लेकिन वेजेस को पे कितना कितना पड़ा फिफ्टी थाउजेंड ठीक है अब देखेंगे इसका ओवरऑल कैसे इम्पैक्ट पड़ना है अब लैंग्वेज फिर से पढ़ेंगे इन द इवेंट ऑफ प्राइस ऑफ मटेरियल एंड वेजेस इंक्रीज मोर बाय मोर देन फाइव परसेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल भी इंक्रीज इन केसेस दैट मीन्स क्या बोल रहे हैं अगर प्राइस एंड सॉरी मटेरियल अगर मटेरियल एंड वेजेस अगर अप टू फाइव परसेंट तक बढ़ते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है अप टू फाइव परसेंट तक अगर बढ़ता है मटेरियल एंड वेजेस का प्राइस तो तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जैसे ही फाइव परसेंट उसकी कॉस्ट लिमिट जो है आगे बढ़ती है तो ओवर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जो है पच्चीस परसेंट बढ़ जाता है पच्चीस परसेंट कैसे देखिए पहले देखते हैं कि अप टू फाइव परसेंट कितना कितना इंक्रीज होगा देखिए हम फाइव परसेंट निकालेंगे इसी का ही कितना आएगा थ्री थाउजेंड इसका फाइव परसेंट निकालो कितना आएगा टू थाउजेंड ठीक है ओवरऑल नेट इफेक्ट कितना इंक्रीज आया ट्वेंटी फाइव परसेंट इंक्रीज हुआ ठीक है अगर हम सिक्सटी थाउजेंड का ट्वेंटी फाइव परसेंट निकालेंगे सिक्सटी थाउजेंड का अगर आप ट्वेंटी फाइव परसेंट निकालोगे तो कितना आएगा फिफ्टीन थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड का ट्वेंटी फाइव परसेंट निकालो कितना आएगा टेन थाउजेंड विच मीन्स 5% फाइव परसेंट कितना है, इफेक्ट है आपका ट्वेल्व थाउजेंड एंड इसमें कितना है आपका एट थाउजेंड सॉरी करना है आपको जो बियोन ट्वेंटी उसका टोटल आप कितना आएगा थाउजेंड ठीक है अब निकालेंगे हम एक्सलेक्शन क्लोज की वैल्यू देखिए एक और पढ़े पे क्या लिखा हुआ है

थाउजेंड सो दिस विल बी योर नेट इफेक्ट दैट मीन ओवरऑल आपके कॉन्ट्रेक्ट पर कितना इफेक्ट पड़ेगा फाइव थाउजेंड को और एडिशनल बटन पड़ेगा ठीक है तो बस एक्सट्रेशन क्लोज को यहां पर ले देंगे दैट्स इट आप टोटल कर देंगे टू लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड दैट मीन्स आपका नोशनल प्रॉफिट आया है वो आपका है टेन थाउजेंड आपका जो नोशनल प्रॉफिट आया वो कितना आया है एट्टी थाउजेंड ठीक है ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कितना था दस सॉरी पाँच लाख का था ठीक है और काम कितना मिला है वर्क सर्टिफिकेट का टू लाख का तो ये कितना हो गया पच्चीस परसेंट हो गया तो हम फर्स्ट आ, क्लोज में आएंगे हम कितना लेंगे वन थर्ड ऑफ एटी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय कितना कैश मिला था कैश रिसीव वन फिफ्टी सर्टिफाइड कितना हुआ टू लैख सो वन फिफ्टी डिवाइड बाय टू लैख विच कम्स टू अमाउंटिंग रुपीज Twenty thousand. That means this value will be transferred to PNL account. So we'll PNL account twenty thousand. The rest will go to WIP reserve. That is sixty thousand. So this is the very very important question. That is question number ten. I hope you understand very well. Rest we will do in the next lecture. Thank you.